हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाशमा स्टाइल्स। सो गाइस, आज मैं आपके साथ बहुत सिंपल सी होम रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ, जिससे आप अपने ओपन पोर्स को रिड्यूस कर सकते हैं। गाइस, ओपन पोर्स हमारी स्किन में सन डैमेज की वजह से या फिर पॉल्यूशन की वजह से या जब हमारी स्किन खुद इलास्टिसिटी अपनी रिड्यूस करने लगती है उस वजह से ओपन पोर्स हो जाते हैं, स्पेशली हमारे चीक एरिया पर, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो गाइस, चलिए एक सिंपल सी होम रेमेडी है, मैं आपके साथ सिंगल इन्ग्रीडियंट शेयर कर रही हूँ, जिसे आप 2-3 times वीक में यूज करेंगे तो आपको विजिबल चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, यहाँ पर मैंने 6 इन्ग्रीडियंट्स लिए हैं। उसमें पहले एलोवेरा लिया है, दूसरा मैंने 2 tablespoons बेकिंग सोडा लिया है, फिर मैंने हाफ चीकू लिया है और हाफ बनाना लिया है, और 2 tablespoons मैंने बेसन लिया है, 1 tablespoon हनी लिया है, और जो बनाना की पील होता है छिकल वो लिया है। सो गाइज, सबसे पहले मैं यहाँ यूज़ करने जा रही हूँ एलोवेरा। गाइज, एलोवेरा के अंदर इलास्टिसिटी रिड्यूस करने की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो हमारी स्किन के ओपन पोर्स को बहुत जल्दी रिड्यूस कर देती हैं, हमारी स्किन टाइटनिंग में भी हेल्प करती हैं। तो सबसे पहले गाइज, मैं एलोवेरा लूँगी और इसको बीच में से डिवाइड कर लूँगी। इसे गाइज सिंपली हमें क्या करना है, इसे बीच में से डिवाइड कर लेना है। आप फ्रेश एलोवेरा लेंगे, आपको बहुत जल्दी विजिबल चेंजेस उससे देखने को मिलेंगे, और सिंपली हमारे जहाँ भी ओपन पोर्स है वहाँ पर हमें इसे सर्कुलर मोशन में इसे मसाज करनी है। स्पेशली हमारे चीक्स एरिया पर बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स की प्रॉब्लम हो जाती है, तो जहाँ भी आपके ओपन पोर्स हैं वहाँ पर इसे आप सर्कुलर मोशन में मसाज करें, और उसके बाद आप इसे 15-20 minutes के लिए छोड़ दें। अब गाइज, यहाँ पर इसे 15-20 minutes हो चुके हैं, तो मैं इसे एक टॉवल लूँगी और उसे वेट कर लूँगी और उसे पैड ड्राई कर इसे रिमूव कर लूँगी। अब गाइज, नेक्स्ट होम रेमेडी के लिए मैं यूज़ करने जा रही हूँ ये बनाना की पील। इसे हम लेंगे और इसे भी सिंपली जहाँ पर भी हमारे ओपन पोर्स है वहाँ पर इसे मसाज करेंगे, और इसे भी हम 15-20 minutes के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, और जब ये अच्छे से टाइट हो जाएगा हमारे जहाँ भी हमने अप्लाई किया है तभी हम इसे रिमूव कर लेंगे एक पैड ड्राई करके टॉवल को। बनाना भी गाइस हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी स्किन टाइटनिंग में हेल्प करता है और ओपन पोर्स को रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है, और एक मॉइस्चर भी प्रोवाइड करता है हमारी स्किन को। और ये गाइस, जब हमारे ओपन पोर्स रिड्यूस होते हैं तो हमारे चेहरे पर जो ऑयल आने लगता है एक्सेस ऑयल, वो भी कम हो जाता है। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है और अगर आप उसे एक्सेस ऑयल को रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी ये यूज़ कर सकते हैं। अब इसे भी गाइस मैं 10-15 minutes के लिए ऐसे ही अपने फेस पर छोड़ दूँगी। अब जब ये अच्छे से सूख जाएगा तब मैं एक टॉवल को वेट करूँगी और इसे भी मैं पैड ड्राई करते हुए रिमूव कर लूँगी। अब गाइस, यहाँ मैं 3rd remedy के लिए यूज़ कर रहे हो ये बेसन। आप इसमें 2 tablespoons पानी मिलाएं और एक इसका अच्छा सा पेस्ट बना लें। आपको इसका थिक पेस्ट बनाना है गाइस, रनी नहीं होना चाहिए इसका। अब एक इसका आप देखिए ऐसा आपको पेस्ट बनाना है, और ऐसा पेस्ट बनाकर आप अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। बेसन गाइस बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसके अंदर, और ये स्किन वाइटनिंग में भी हेल्प करता है, प्लस ये हमारी स्किन को ग्लो प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है। इसका आपको गाइस एक फेस पैक बनाकर अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लेना है। सो गाइज, ये मैंने अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लिया है। जब ये 15-20 minutes में ड्राई हो जाएगा तब मैं इसे रिमूव कर लूँगी एक टॉवल से वेट करके, या फिर मैं अपने फेस को वॉश कर लूँगी। अब गाइज, नेक्स्ट मैं रेमेडी के लिए यूज़ कर रही हूँ, आपके घर में जो भी फ्रूट्स हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मेरे घर में बनाना और चीकू अवेलेबल था तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, इसके अंदर वाला पार्ट निकाल लेना और उसको मैश कर लेना, और अपने ओपन पोर्स पर जहाँ भी है वहाँ पर अप्लाई कर लेना है, और 15-20 minutes के लिए आप ये रखकर वॉश कर दें अपने फेस को। अब गाइस, इसे 15-20 minutes हो चुके हैं और ये अच्छे से ड्राई हो चुका है, तो अब इसे मैं रिमूव कर लूंगी। अब गाइस, मैं नेक्स्ट रेमेडी के लिए यूज़ कर रही हूँ ये बेकिंग सोडा। मैं 1 tablespoon बेकिंग सोडा लूँगी, और उसमें हमें वार्म वाटर डालना है, याद रहे आपको, ताकि बेकिंग सोडा जो है वो रिएक्ट कर सके। तो हम उसमें वार्म वाटर डालेंगे और एक पेस्ट बना लेंगे, और ये रनी नहीं होना चाहिए गाइस, ये एकदम थिक पेस्ट होना चाहिए।
इस तरीके से। तो आप इसे जहाँ भी आपके ओपन पोर्स हैं वहाँ पर आप इसको अप्लाई कर लें। गाइज, बेकिंग सोडा के अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो हमारे ओपन पोर्स को रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है। आप जब भी सोने जाएं तो इसे एक बार अपने फेस पर लगा लें, लेकिन आपको वीक में दो ही बार इसे यूज़ करना है, और जब ये ड्राई हो जाए तब इसे हल्के हाथों से मसाज करते हुए रिमूव कर लेना है, और फिर वाटर से आप धो लें इस अपने फेस को। गाइज, ये सिक्स रेमेडी जो थी वो हमारी हनी की थी, लेकिन वो धोखे से मुझसे क्लिप डिलीट हो गई। तो आपको क्या करना है, सिंपली हनी लेना है और जहाँ भी अपने पूरे फेस पर आपके ओपन पोर्स हों, या आप अपने पूरे फेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, और सर्कुलर मोशन में मसाज कर लीजिए, और जब ड्राई हो जाए तब इसे पानी से वॉश कर लीजिए। एक मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा, स्किन टाइट करेगा। सो गाइज, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? आई होप आपको मेरी सिंपल सी होम रेमेडी ज़रूर पसंद आई होंगी। लेकिन गाइज, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक टाइम पर सिंगल ही होम रेमेडी को यूज़ करना है, वीक में आपको टू टाइम्स यूज़ करना है, और आपको इफेक्टिव रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेंगे। सो प्लीज़ गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।